रोजमर्रा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब लोग पूछते हैं कि मैम कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे मेरा सेक्सुअल स्टेमिना बढ़े। ऐसी एक्सरसाइजेस अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप करो, नहीं है तो भी करो। स्पेशली वो लोग जो जिम जा रहे हैं या रेगुलर योगा कर रहे हैं, तो वो दिन में 20 मिनट की एक्सरसाइजेस करें और देखें विद इन अ मंथ आपका स्टेमिना कैसे बढ़ता है। ऐसी रूटीन की एक्सरसाइजेस जो आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छी हैं, चलिए बात करेंगे। और प्लीज इन्हें कल से ही करना शुरू करें और एक महीने बाद मुझे रिव्यू जरूर डालें। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा अंत तक देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लैंक्स की। आप प्लैंक्स कर सकते हैं अगर आप अपना सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं। इसे जरूरी नहीं है आपको जिम में करना है, आप रूटीन में घर की छत पर, बालकनी में, योगा करते वक्त डेफिनेटली प्लैंक्स को ट्राई कर सकते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये पेट, पीठ और पेल्विक एरिया के आसपास की मसल्स को मजबूत बनाता है। मोरओवर जो लोग काफी लंबे समय तक इंटरकोर्स करना चाहते हैं, चाहे उन्हें प्रॉब्लम है या नहीं है, तो भी वो प्लैंक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ग्लूट एक्सरसाइज। ग्लूट्स मतलब आपके ग्लूटियल मसल्स। जो लोग रेगुलरली अपनी सेक्स पोजिशन को बदलना चाहते हैं या नए नए पोजिशन को ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए ग्लूट एक्सरसाइज काफी अच्छी है। ये पेल्विक फ्लोर के लिए नहीं बल्कि आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को मजबूत बनाती है, इसलिए ग्लूट ब्रिज आप जरूर करें। तीसरे नंबर पर रख रही हूं मैं जंप स्क्वाड, जिसे हम बोलते हैं आपको दोनों हाथ उठाने हैं, जंप करना है। जंपिंग स्क्वाड भी मोरओवर आपके बॉडी के वेट के लिए, स्टेमिना के लिए काफी अच्छा है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में हम इसे इंक्लूड करते हैं, आपके सेक्स को बेटर और फास्ट बनाता है। साथ साथ आप इसमें हार्ट रेट बढ़ता है, तो वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या एक्सरसाइज से बचते हैं, वो भी बहुत क्विकली स्क्वाड्स कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, वो भी आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है एंड अल्टीमेटली वो ब्रिस्क वॉकिंग का एक अच्छा सबऑर्डिनेट है। तो आप जंप स्क्वाड्स भी डेफिनेटली ऐड करें। फोर्थ, कीगल एक्सरसाइज, वन ऑफ माय बेस्ट एक्सरसाइज। कीगल ब्रिज आप डेफिनेटली रेकमेंड करती हूं मैं सभी कपल्स को। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक है, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इसे और बेहतर और लंबे समय तक करना चाहते हैं, तो कीगल्स ब्रिज को डेफिनेटली इंक्लूड करें। मेल हो फीमेल हो, सुबह शाम कभी भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर रखेंगे पिजन केस एक्सरसाइज को। पिजन पोज हेल्प करता है आपके कमर, कूलों और ग्लूट्स को मजबूत देने में, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, आपके जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशंस डेवलप करता है, तो आप पिजन केस एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये कितना आसानी से हेल्प कर रहा है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में। तो ये पांचों के पांचों एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप रूटीन में कर सकते हैं, प्लस लॉट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जितना आप अच्छा प्राणायाम करेंगे, उतना ही ये पोज डालने में या इस तरह की एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो प्लीज 20 मिनट्स इन एक्सरसाइज का मिलाप करके आप शुरू कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप भी जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज मिस कर रहे हैं, तो अपने ट्रेनर को बोल के इन्हें स्टार्ट करें।